पर आज पता चला हमारे खुफिया जराये से कि बैरिया टाउन के अंदर हीरा सन्यारा वाले हैं जी, अंगूठियां बांट रहे हैं। अंगूठियां कैसे बांट रहे हैं पता चला जी, कुरानदाजी के जरिए। आप इनके पेज को लाइक करें और 5 लोगों को शेयर करें और स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें इनके कॉन्टेक्ट नंबर पे, और उसके बाद 2 मंथ्स के बाद एक कुरानदाजी होगी जिसके अंदर ये सोने की अंगूठियां देंगे। अब आज हमने छापा मारा है और आप माशाल्लाह ये तो सोना ही सोना बखेर के बैठे हुए हैं। आप गार्ड को जरा एक्टिव कर दें, उसको कहें भाई जरा ख्याल करे, और इतना सोना बांट रहे हैं उसकी वजह क्या है? सोना अंगूठियां बांट रहे हैं आप? यार अंगूठियां बांटना तो एक बहाना है बस लोगों से कॉन्टेक्ट करने के लिए। बस हम कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं कि लोग हमारे पास आए, हम लोगों ने मेकिंग में और स्टोन्स वगैरह के चार्जेस वगैरह सब खत्म कर दिए हैं। अच्छा क्या बात है, मेकिंग चार्जेस जो है वो आपने खत्म कर दिए? यार अंगूठियां भी बांट रहे हैं, मेकिंग चार्जेस भी खत्म कर दिए, आप क्या कमाएंगे मुझे ये तो बताएं। हम लोगों का प्यार कमाएंगे यार। क्या बात है, ये तो जनाब ये इसको कहते ना छक्का लगा दिया इन्होंने, दिल जीतने वाली बात कर दी है सर, हम प्यार कमाएंगे। ये खुशखबरी है कि अगर किसी बच्ची बच्ची की शादी उन्होंने करनी है तो हमारे पास आए। के लिए मैंने एक स्पेशल गिफ्ट रखा हुआ है, एक डायमंड नोज पिन है, वो इंशाल्लाह उन्हें दी जाएगी ताकि वो बाहर भी जाए, किसी को चेक भी कराए तो उन्हें पता हो बाकी पाकिस्तान में भी अच्छा डायमंड मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच, और आज पता चला हमारे खुफिया जराये से कि बैरिया टाउन के अंदर हीरा सन्यारा वाले हैं जी, अंगूठियां बांट रहे हैं। अंगूठियां कैसे बांट रहे हैं पता चला जी, कुरानदाजी के जरिए। आप इनके पेज को लाइक करें और 5 लोगों को शेयर करें और स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर, और उसके बाद 2 मंथ्स के बाद एक कुरानदाजी होगी जिसके अंदर ये सोने की अंगूठियां देंगे। जी हाँ, और वो अंगूठी की मालियत कितनी होगी? 20 से 25-30 हज़ार के अंदर उसकी मालियत होगी। आपको करना क्या है, जस्ट इनकी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, 5 लोगों को टैग करना है और स्क्रीनशॉट इनके दिए गए नंबर पर सेंड करना है। उसके बाद ये आप लोगों को कुरानदाजी के जरिए वो अंगूठियां देंगे। क्या ये बात सच है, इसमें कितनी सदाकत है पता तो चल गया है। ऑनर से बात करके जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। आ जाए मेरे साथ, आज जी दिखाते हैं आपको ये अंगूठियां बांट रहे हैं। आजकल तो लोग जनाब जेबें पॉकेट मार बने हुए, जेबें काट रहे हैं और आप सोने की अंगूठियां बांट रहे हैं। जी अवैस मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। जनाब आज हमने छापा मारा है और आप माशाल्लाह ये तो सोना ही सोना बखेर के बैठे हुए हैं। आप गार्ड को जरा एक्टिव कर दें, उसको कहें भाई जरा ख्याल करे, और इतना सोना बांट रहे हैं उसकी वजह क्या है? सोना अंगूठियां बांट रहे हैं आप? यार अंगूठियां बांटना तो एक बहाना है बस लोगों से कॉन्टैक्ट करने के लिए। बस हम कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं कि लोग हमारे पास आए, हम लोगों ने मेकिंग में और स्टोन्स वगैरह के चार्जेस वगैरह सब खत्म कर दिए हैं। अच्छा क्या बात है, मेकिंग चार्जेस जो है वो आपने खत्म कर दिए? यार अंगूठियां भी बांट रहे हैं, मेकिंग चार्जेस भी खत्म कर दिए, आप क्या कमाएंगे मुझे ये तो बताएं। हम लोगों का प्यार कमाएंगे यार। क्या बात है, ये तो जनाब ये इसको कहते ना छक्का लगा दिया इन्होंने, दिल जीतने वाली बात कर दी है सर, हम प्यार कमाएंगे और मुल्क पाकिस्तान के लिए करना है जो भी करना है। अच्छा वैसे थोड़ा खड़े हो जाएं आप, मेरी दरख्वास्त है आपसे, और मुझे ना जरा अपनी अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। जब आपके पास आ ही गए हैं तो अपना जरा क्वालिटी के बारे में बताएं। आजकल के दौर में कहते हैं सोना खालिस नहीं मिलता, बड़े लोगों की कहते हैं कि बड़ी कंप्लेंस हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि स्कैम कैसे होता है और खालिस क्यों नहीं होता? यार सोना बेसिकली होता है खालिस 24 कैरेट, उसमें तो ज्वेलरी बनती नहीं, अगर बने भी तो वो चांसेस ही बहुत कम है कि बनेगी। और उसके अलावा 21-22 कैरेट में हम लोग डील करते हैं, काफ़ी सुनहरे और भी बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे जो 21-22 में डील करते हैं, लेकिन वही बात आ गई ना कि मेकिंग चार्जेस में वो फिर कसर निकाल लेते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह ताला हम वो कसर नहीं निकालेंगे लोगों से, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लेंगे, स्लिप वगैरह पे मेंशन जरूर करेंगे लेकिन हम चार्जेस नहीं लेंगे। यार ये तो चले आपने हमें एक और गिफ्ट दे दिया कि आप मेकिंग चार्जेस नहीं ले रहे, मुझे ये बताएं कि जो आप अंगूठियां बांट रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह बांट रहे हैं और लोग किस तरह कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं? उसका ये प्रोसीजर है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना है, इसके नीचे एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। 2 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह ताला कुरानदाजी होगी जिसके अंदर आपकी रिंग निकलेगी, और उसका प्रोसीजर ये है कि आपने जो स्क्रीनशॉट होगा ना, इस जो लिंक होगा, लिंक को बेसिकली आपने 5 से 6 बंदों को फॉरवर्ड करना है, उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। ये आइडिया आपको कहीं बड़े बड़े ब्रांड से तो नहीं मिला जो अक्सर उसका आया होता लिंक को 5 लोगों को भेजे और आपका गिफ्ट बॉक्स निकलेगा और एंड पे कुछ भी नहीं निकलता? आज तो इसलिए हम आपके पास ही आ गए कि आप आवाम को बताएं इस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात में इतनी सच्चाई है कि वो जो ब्रांड्स होते हैं वो तो गुमछुम है ना, यानी कि गुमछुम है, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप आए और आके अपनी चीज लेके जाए इंशाल्लाह। जो ब्रांच है आवाम को एड्रेस भी बता दें, कहाँ पर है ब्रांच, कहाँ आएंगे जब कुरानदाजी होगी? ये बहरिया टाउन में तलवार चौक के पास है, जैस्मिन मॉल मॉल है, उसकी मेन पे ही शॉप है एच एस ज्वेलर के नाम से। अच्छा इसके अलावा भी आप कोई बिजनेस रन करते हैं, मतलब और ब्रांचेज हैं आपकी? जी जी और ब्रांचेज हैं, लेकिन हम लोग जो ये ऑफर है सिर्फ इसी ब्रांच पे है। अच्छा मुझे, अच्छा एक और बड़ी एक्साइटेड करने वाली चीज़ है कि जब आवाम के दिमाग में बात तो आ गई है लेकिन उनको अब ये बताएं कि उस अंगूठी की मालियत कितनी होगी, ये सरप्राइजिंग चीज़ है। वो उसे सरप्राइज ही रहने दें, इंशाल्लाह ताला खुश होंगे लोग वो लेके। अच्छा हाँ। मतलब इतने पैसों की होगी कि लेके कोई बेच के बेचारा अपनी जरूरत पूरी कर सकता है या पहन सकता है, आप कुछ भी कर सकता है उससे? हाँ
हाँ हाँ बिल्कुल, पहने इस्तेमाल करे, उसे अगर बेचेगा भी तो इंशाल्लाह ताला वो दुआएं देगा। हमें दुआओं के लिए तो बैठे हैं यार, हीरा ज्वेलर्स को दुआएं देगा जनाब। इन्होंने अच्छे वक्त में, मैंने वो उसका सिर्फ किया भी कुछ, मैंने कुछ भी नहीं था, वीडियो आई थी जनाब उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने इनके नंबर पे व्हाट्सएप किया था, आज अंगूठी पहन के घूम रहे हो। अच्छा माशाल्लाह खुद भी बड़े आप वेल ड्रेस्ड हैं, और आपने ये जो घड़ी पहनी हुई है इसके ऊपर क्या लगाए, स्टोन्स लगाए हुए हैं? हाँ जी स्टोन्स है। क्या बात हो रही, चेन स्यून्स पहन के आपका बड़ा एक दबंग सा स्टाइल है। बस ऐसे ही अलग, इतना माशाल्लाह इतनी डॉन पर्सनालिटी लेके आप खिदमत खल्क करने निकल पड़े हैं। बस पर्सनालिटी जैसी मर्जी, खिदमत खल्क तो यार जरूरी है। अच्छा इसके पसे मंजर क्या है, कैसे ख्याल आया, ये आइडिया कैसे आया कि यार आवाम के लिए अब कुछ करना चाहिए? आजकल यार बच्चे बच्चियों की शादी करना वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों के लिए जेवर बनाना। जेवर के साथ साथ जो सुनहरे भाई हमारे बरादरी हैं वो थोड़ी सी मिसअप ये करते हैं, इंसाफी करते हैं, खुली आम बात है कि मजदूरी बनवाई वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हमने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मेरा दूसरे भाइयों के लिए भी मैसेज है कि यार अगर कोई मजदूरी कोई बनवाई कुछ भी लेता है तो यार इतनी मुनासिब लेके यार गरीब का बंदे कल को बेचे तो उसका यार इतना नुकसान ना हो। ठीक है खुद कमाए खाए, लेकिन इतना ना खाए कि अगले का बिल्कुल सारा खत्म हो जाए ना। आवाम तो कहती है जाहिर सी बात है, वो पहले तो सोना इतना महंगा हो गया जनाब, आवाम ने वैसे लेना पहनना ही छोड़ दिया, लोगों ने अब कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बंदा थोड़ा बहुत लेके रख लेता जनाब, कल को इसने और महंगा हो जाए ना मैं बेच दूंगा। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आपने बनावट वाला जो किया ना कि बनवाई नहीं लेंगे आप, उसमें जो भी चार्जेस हैं तो आवाम ज़्यादा इंटरेस्टेड। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे सोने की कीमत है तो आप जो सोना दे रहे हैं आप उसी कीमत पर दे रहे हैं, एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। जो कीमत उस दिन की होगी ना, उस दिन का जो पर डे रेट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 21 कैरेट है तो 21 का रेट लेके उन्हें चीज़ दे दी जाएगी, और 22 है 22 का रेट लेके दे दी जाएगी। ये जो सोना पहनने के शौकीन है उनके लिए तो कह लें कि एक लॉटरी एक कमेटी है। बस ऐसे ही है भाई। अच्छा ओवरसीज़ के लिए क्या कोई प्लान रखा हुआ आपने, क्योंकि आपके पास ओवरसीज़ भी आते हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या खुशखबरी है आपके लिए? हाँ बहरिया में हमारे पास काफ़ी हद तक ओवरसीज़ लोग आते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि अगर किसी बच्ची बच्ची की शादी उन्होंने करनी है तो हमारे पास आएँ। एक तो मेकिंग स्टोन्स वगैरह के चार्जेस उन्हें जैसे लोगों का आम हर बंदे को है कि ऑफ है, नहीं देने पड़ेंगे ना। उसके अलावा जो है उनके लिए मैंने एक स्पेशल गिफ्ट रखा हुआ है, एक डायमंड नोज पिंस है, वो इंशाल्लाह उन्हें दी जाएगी ताकि वो बाहर भी जाएं किसी को चेक भी कराएं तो उन्हें पता हो बाकी पाकिस्तान में भी अच्छा डायमंड मिल जाता है। डायमंड नोज पिन भी जनाब आपको तोहफे में दी जाएगी, खरीदार के साथ बम्पर ऑफर लगा देगी। अच्छा मैं आपके पास देख रहा हूँ जो आपके सेट्स हैं ना, बड़े कोई एक यूनिक स्टाइल है, इनको डिज़ाइन क्या आप खुद करते हैं, कोई डिज़ाइनर हायर किया हुआ है, क्या सीन है, बड़ा क्वालिटी स्टफ है सारा? हमारे पर्सनल डिज़ाइनर्स हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के उन्होंने काम किए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं तो बस अल्लाह का शुक्र है। आवाम को ना आखिरी को पॉजिटिव मैसेज दे दे, क्योंकि आप यंग हैं, यूथ हैं, और माशाल्लाह इतना बड़ा स्टेप उठाया आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के नाम को बुलंद करने के लिए, तो कोई पॉजिटिव मैसेज दे दें जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं यंगस्टर्स, वो इस मैसेज से क्या सबक लेंगे? यार यंगस्टर्स के लिए मेरे लिए ये मैसेज है कि यार हर बंदे को चाहिए कि थोड़ी थोड़ी एफर्ट करे, एफर्ट करके कि हमारा ना एक पॉजिटिव वाइब निकलनी चाहिए। लोग बाहर के मुल्कों में जब हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए नेगेटिविटी है बस, पॉजिटिविटी नहीं है। अब बिलफर्ज ये मेरी वीडियो कोई फॉरेनर देखेगा तो वो यार उसके माइंड में आएगा यार नहीं अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में, सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ वो स्प्रेड करो, वो बांटो, प्यार बांटो और मिल बांट के रहो ना। क्या बात है जनाब, आपने देखा जाना हीरा ज्वेलर्स के ऑनर अवैस मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जज्बा ईमानी भी है, पाकिस्तान का नाम बुलंद करने की ख्वाहिश भी है और उसके लिए काविशें भी जारी हो सारी हैं इनकी, और माशाल्लाह दिन रात एफर्ट्स में लगे हुए हैं, खुद भी माशाल्लाह जवान है और मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और आपके पास एक बहुत बड़ी एक बम्पर ऑफर भी है कि आप इस वीडियो में जस्ट स्क्रीन शॉट ड्रॉप करें और इनके नंबर पर दें और उस कुरानदाजी का हिस्सा बने। आप ये कितनी रिंग्स दे रहे हैं ये एक इनका सरप्राइज़ है और उसकी अमाउंट भी अच्छी खासी होगी, तो इसमें कोई स्कैम नहीं है, आप यहाँ पर आएँ। और बम्पर ऑफर ये है कि आपको ये बनवाई भी नहीं ले रहे और उसके बाद आपको जो रॉ मटेरियल की जो पैसे होंगे ये उसी में ही आपको बना के देंगे, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इनके लिए हमारे भी लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज इनके साथ, अल्लाह इनको कामयाब करे। ऐसे जवानों का इस मुल्क के लिए इस तरह की काविशें करना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान का नाम इसी तरह बुलंद हो सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।